सेम एज के हम बच्चे, वही चैन। तो सर अभी यहाँ पे जो फिलहाल कौन कर रहा है आपके साथ में, आपके लड़के का नाम क्या था, क्या नाम था ये भाई? रोहित, हाँ रोहित भाई, वो तो कानपुर में करेंगे, क्या करते यहाँ, कोई ज़्यादा वो नहीं था, और पहले तो कर रहा था पेप्सी कंपनी में, जी, लेकिन वो फिर कोरोना की वजह से। बाकी आपने स्कूल से कभी अपना मतलब साथ नहीं छोड़ा? नहीं, जब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। 82 से समझ लो कि लगे ही रहे। बताइए, और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना मंदिर? हाँ, बहुत कम से कम 20-25 साल हो गए मंदिर, और ये ये जो है पीर, काफी बहुत अच्छा। अरे हम तो शुरू से छोटे छोटे से थे, हम तो डरते थे, यहाँ आते ही नहीं थे। हाँ, इस सेशन में नहीं आते थे, नहीं आता। पहले तो 5 मिनट थे ना, हाँ। तो यहाँ पहले वो नहीं था, पहले वो लगता था छोटे छोटे बच्चों को, हाँ। दरवाजे दे देंगे यहाँ, ये यहाँ वो, कुछ बांध रखा था कोई अंदर अंदर, कुछ ऐसा टाइप का था क्या कुछ, ये मुझे, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, पहले ये ऐसा था ना, पहले ऐसे वो करे रखते थे, ढके रहते थे, फिर ये वो ओपन कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ पहले ये था कि फिर ऊपर से वो गिरता था गंदा, कौए या बीट करते थे या कोई, तब इस वजह से तो ये एरिया जिसके मैं आप लोगों को बात बता रहा था, वाला। हाँ ये यहाँ पे हुआ करता था, हाँ यही पता, उस टाइम में बहुत बड़ा लगता था ये, कूदते थे बच्चे, अभी चढ़ते थे, वो बराबर हो गया था, वो ज़्यादा अच्छा था। अब वो वहाँ रखना पड़ा नहीं, यहाँ अभी रखवाएंगे यहाँ ही। तो उस वाली क्लास को सर एक बार देखने चलते हैं एक बार। तो अभी हम जो है, ये मेरी सेकंड क्लास है, लाइट का देखते हैं कि लाइट है या नहीं। ऊपर वाला, ऊपर वाला, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात, लाइट है तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसा हो रहा है। क्लास तो बेहतर हो गई है पहले से वाली। मुझे यहाँ पे इस क्लास में, इसमें मैम पढ़ा रही थी SST वाली, तो उनके ऊपर एक फैन गिरा था। अच्छा। हाँ यहीं से गिरा था, वो छोटा वो फैन नहीं होता, यहाँ पढ़ा रही थी यहाँ पे, फिर वो कहने लगी उठ के कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, जैसे ही वो यहाँ गई है तो फैन गिरा, ये हुआ था। और हम लोग, मैं भी यहीं पे था, दौड़ो खेलो एक दूसरे से, वहाँ से तमाम वो खेलने के लिए, खेलो कहीं खेलो। तो यही एक खासियत होती है एक टीचर की, एक माँ बाप की, कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करता है। तो कुछ क्लासेस में यहाँ पे लॉक भी लगे हुए हैं, जो बाकी मेरी थर्ड क्लास थी वो ये वाली थी, इसमें भी लॉक, लॉक है, लॉक लॉक नहीं है सर, इसमें लॉक, ये वैसी है, वैसी की वैसी है, आज बनी, बन गई, काफ़ी बड़ी थी। हाँ अरे ये देखो देखो, मिल गई शेयर। खाना आना का अच्छा, वो था, बंदा था ये, उन्होंने वहां से निकाल के यहाँ रख दिया वो। तो कुछ चेयर तो है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही खस्ता हालत में, ये छोटे छोटे टेबल, वो तो भाई सही, उस टाइम पे बहुत बड़ी लगती थी हमें क्लास ये। वो जब रखा है तो, तो ये थर्ड क्लास जो की हालत है अभी देते चले जा रहे हैं, थोड़ी ठीक तो है लेकिन सामान वैसे का वैसे। इसका हम लगा देते हैं, एक साल पहले की जो बात थी, तो मैं माया मैम के घर भी गया, तो उस चीज को लेकर तब भी वो मेरे से बात करते करते रो रही थी वो। हाँ, इस तरीके से एक तो होता है, सबको होती है कोई भी आदमी। तो गाइस ये मेरी फोर्थ क्लास थी जिसका भी लॉक लगा हुआ, तो बाकी चलते ऊपर जो मेरी फिफ्थ क्लास थी, और इस स्कूल की मेरी लास्ट क्लास। मैं जब घर गया उन्होंने पराठे बनाए मेरे लिए। अच्छा। हाँ, और बड़ी खुश हुई। नहीं देखो, वाकई में एक बहुत ही ज्यादा मुझे फील हुआ, मुझे भी ज्यादा इमोशनल हो गया था वहाँ पे उस टाइम पे। क्या है, किसी का बस है ही नहीं, जिंदगी ऐसी चीज है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो ये हमारी फिफ्थ क्लास थी, लेकिन अभी इसका लॉक लगा हुआ है। और सामने क्या था हमारा, लैब थी ना कुछ चीज की, क्या थी, लाइब्रेरी। लेकिन हम तो टॉयज खेलते थे यहाँ पे, टॉयज वगैरह मिलते थे ना। हाँ, उसके अंदर ही खेला करते थे। अच्छा अच्छा, मेजें बड़ी बड़ी लगी हुई थी, किताब भी पढ़ो।
तो नीचे जो थी वो कंप्यूटर लैब थी और ये लाइब्रेरी थी, और बाकी यहाँ का व्यू आप लोग खुद देखो कितना शानदार। एक एक होता ना कि एक फील, पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है कि जब वहाँ पे एक इन्वायरमेंट अच्छा हो। कभी आप विजिट करना, खुद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ हम कैसे पढ़ते थे और क्या चीज़ थे और अब क्या है। ऑलमोस्ट सबके साथ यही होता है कि जो इंसान दूसरे स्कूल से पास आउट होकर जाता है तो उसको पुराना स्कूल ज़रूर याद आता है। वो जब हम पीटी हमारी होती थी तो बोलते थे कि अच्छे बच्चे कैसे, तो हम बोलते थे ऐसे, और वो बोलते थे फिर मुंह पे उंगली कैसे, तो मुंह पे हाथ रख के बोलते थे कि ऐसे, ये बोलती थी ना। तो ये कौन से सन में ये जो दूसरी ट्रस्ट को चला गया था हमारा, जो इस स्कूल का नाम है गंगा दया हेती भाई चैरिटेबल स्कूल, तो ये तो 81 से पहले तो यही नाम, अभी तो दूसरा है, बाहर कुछ लिखा हुआ हो गया, अब ये हो गया निर्मल बना, निर्मल बना इनको दे दिया ना। हाँ हाँ हाँ। तो अभी मैंने एक बोर्ड की फुटेज जो ली थी मैंने आप लोगों को दिखाई होगी, उस पर गंगा दया हेती भाई चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा हुआ है, जो कि सन 2006 में। लेकिन हमारा ये तो ये बोर्ड भी बाद में लगा, बाद में लगा है ना, बाद में लगा था, पहले तो क्लासों का मुंह तो उधर को ही था ना। जी जी जी। तो बेशक ये स्कूल तो बंद हो चुका है और आज कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वैसे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन वाली लड़कियाँ होंगी जिनको सीखने की ज़रूरत है, और सिलाई मशीन और क्या होता सर, ये ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर और यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ठीक है लड़कियों को। तो ये सब फ्री में होता है या फिर? हाँ, फ्री में, तो पैसा नहीं लेते, वो उनका उद्देश्य ही था देने का कि आप फ्री में जो भी करो फ्री में। तो यही एक इंसान की एक पहचान होती है कि वो अपने ही कर्म का सही जगह उसका इस्तेमाल कर सके। किसी को भी एडमिशन लेना हो तो यहाँ पे आके विजिट कर लेना, सर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। बिल्कुल। ये चीज सर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये असल में पहले बड़ा गड्ढा था, पानी भर जाता था, तो उन्होंने कहा इसको करा दो, पहले तो इतना इतना पानी, अब भी भर जाता, लेकिन एक दो दिन में निकल जाता। और फिर ऐसा होता था कि मैम छुट्टी करती थी, चलो आज तो छुट्टी, ऐसी होता था ना। हां वो होता ही था कि अब नहीं चल सकती क्लासें, वो करो। पहले तो ये कहां बरामदा बने हुए थे, ये बनवाया फिर बनवाया, नहीं तो पानी नीचे से जाते थे और यहाँ इतना इतना पानी। और ये भी सर ये भी काफी पुराना है, क्या कहते हैं, बहुत पुराना, बहुत पुराना है, ये भी नल भी पुरानी वही वाला है ना। हाँ वही है। तो ये सब हमारी पुरानी यादें जो कि थोड़ा सा रिफ्रेश हुई है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे कि मैंने यहाँ की ट्रस्ट के बारे में बताया, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री हो रही है अभी रिसेंटली, खाना भी, किताबें भी, हर चीज़ तो था। तो गाइस क्लासेस की जो हालत है वो पहले से बेहतर है। थर्ड क्लास जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तीसरी क्लास, तो थोड़ा सा उसमें सामान वगैरह पड़ा हुआ है, वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जहाँ पे क्लासेस होती हैं जो अभी रिसेंटली यानी कि गर्ल्स की बूटीक वगैरह, ब्यूटी पार्लर वगैरह जो भी होता है यहाँ पे कोर्स, वो आपने क्लासेस देखी किस तरीके से अच्छी बनी हुई है और डेकोरेटेड भी है, वो भी है, तो हिचकिचाना नहीं। किसी को एडमिशन लेना हो तो मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दूँगा, और यहाँ का एड्रेस भी मैंशन कर दूँगा। जी जी। बाकी सिंह सर आपको मिल जाएंगे, आदत के जो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे पुराने टीचर हैं, मेरे भाई की टीचर हैं, और सुधा मैम यहाँ पे है नहीं, जो कि जो मेरी हिंदी की टीचर थी, जो इनकी वाइफ है हमारे सर की, उनसे भी मुलाकात करता, लेकिन अब कोई बात नहीं, सर ने विजिट करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज हुई हैं, ओपन हुई हैं, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। और सीरियसली सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि आज चेहरे पे हंसी तो है लेकिन वो वाली हंसी नहीं है जो होनी चाहिए। वीडियो के साथ बनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया और जज़ाकल्ला। तो कमेंट में बताना आपका कौन सा पुराना स्कूल है, और क्या क्या चीज़ें आपने अपनी यादें, क्या क्या चीज़ें आपने स्कूल में करी, और क्या क्या शरारतें वगैरह, शरारती करी है, मेरा हाथ टूट गया था। तो मैंने भी शरारत टाइप का बहुत कुछ किया यहाँ पे, सबको परेशान किया, घर वालों को परेशान किया, भाई को परेशान किया,
और बहुत सारी चीज़ें मेरे से स्कूल से जुड़ी हुई, जैसे कि मैंने आपको आप लोगों को पहले बताई थी। सो बस गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लाइक एंड शेयरिंग, टू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग पन्नू देसी।